नमस्कार, शिल्पा गुप्ता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कटहल के बीज का बहुत ही टेस्टी डिश बनाएंगे। तो इसके लिए हम कटहल का बीज ले लिए हैं। हमारा कटहल का बीज 2 से 3 दिन का हो चुका है। अगर आपका बीज ताज़ा रहेगा तो फिर हाथ से फिसलेगा और काटने में भी हो सकता है कि हाथ कट जाए। जल्दी छीलने में नहीं बनता है, ना ही कट करने में बनता है। तो उसके लिए आप अगर ताज़ा है तो एक कुकर में आप कटहल का बीज डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके 1 सीटी लगा दीजिए। उसके बाद कट करके छीलिए, आराम से छिला हुआ हो जाता है। नहीं तो आप 2 से 3 दिन के लिए बीज को छोड़ दीजिए, तो हल्का सा कटहल का बीज सूख जाने की वजह से अच्छे से कट हो जाता है, हाथ से फिसलता भी नहीं है। तो आप कट करने के बाद ये जो ऊपर का लेयर तो हटा ही देना है, क्योंकि वो कड़ा लेयर होता है। उसके बाद का जो लेयर ये पतला वाला होता है, या तो आप इसे रहने दे सकते हैं, लेकिन हटा देने से थोड़ा ज़्यादा साफ साफ लगता है दिखने में। तो आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, नहीं तो आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऊपर का लेयर हटा दें, क्योंकि ये नहीं यूज करना चाहिए, बहुत ही कड़ा पार्ट होता है। तो इसी तरह हम कट करके सारा छील करके तैयार कर लेंगे। तो सारा छील कर हम रेडी कर लिए हैं और एक कटोरा हम चना ले लिए हैं। इसे हम ओवरनाइट फूलने के लिए दे दिए थे। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो एक कुकर में हम सबसे पहले तेल डालेंगे, सरसों का तेल, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद आधा चम्मच से भी कम जीरा डालें, जीरा जब चटक जाएगा तो एक कटोरा प्याज डालेंगे, जिसे कि हम रफली कट किए हैं, क्योंकि कुकर में बनाने की वजह से प्याज तो फिर गल ही जाता है। तो आप रफली ही कट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। उसके बाद लहसुन और अदरक को दरदरा कूट करके डाले हैं। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर पेस्ट का टेस्ट थोड़ा अलग होता है और जो दरदरा कूट करके डाला जाता है उसका अलग होता है। तो 1.5 चम्मच के लगभग हम हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मिक्स मसाला, आधा चम्मच टमाटर का पाउडर डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम अच्छे से 3 से 4 मिनट भून लेंगे। टमाटर का पाउडर हम किस तरह बनाए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। उसके बाद हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो 1 मिनट इसे भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें कटहल का बीज डाल देंगे और इसे भी 1 मिनट बस भूनेंगे। मसाला तो हमारा अच्छे से भुना हुआ है ही, बस डालने के बाद 1 मिनट भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, तो 1 कटोरा से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कल चना डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। लगभग 2.5 चम्मच हम नमक डालें, छोटा चम्मच से, और थोड़ा सा गरम मसाला, जो कि घर का हमारा गरम मसाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मार्केट का पैकेट वाला का टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए आप गरम मसाला घर का ही यूज करें। मिला देने के बाद हम ढक्कन लगा करके मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 सीटी लगाएंगे, जिससे कि अच्छे से हमारा कटहल का बीज पक जाता है और चना भी अच्छे से पक जाता है। अब हम इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे, ताकि क्योंकि प्याज हम रफली कट किए हैं, तो अब हम अच्छे से मिक्स जब करेंगे तो प्याज हमारा पूरा अच्छे से ग्रेवी बन जाएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप कटहल के बीज का और भी तरीके से घर में बनाए होंगे सब्जी, आलू में डाल के या चना दाल में डाल के, तो एक बार आप इस काले चने में डाल करके बनाइए, यकीन मानिए सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो हमारा तैयार है सर्व करने के लिए। तो आप इसे गर्मा गर्म रोटी पराठा चावल के साथ एंजॉय कीजिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए कटहल की टेस्टी हेल्दी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।